अली ने देख रहे हो सुना है कि ये सब पागल था क्या, ये क्या कर रहा है, तो कोई नहीं कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। तो आज कल धूप निकली थी, तो आज दोबारा जो है वो सुबह से बादल हैं, धूप आती है, बादल आते हैं, धूप आती है, तो सर्दी आज भी दोबारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड अभी मैंने चेक किया था अपने मोबाइल पे। तो अभी मैं जाने लगा हूँ बाजार, तो पहले तो घर खाने को है नहीं कुछ, तो बाजार से लेके आना पड़ेगा। तो आलू वाली टिक्कियाँ हैं वो लेके आएंगे, जो कि समुद्री की काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, दो बंदे लगाते हैं जो मुझे पता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार टिक्कियाँ होती हैं, तो वो लेके आते हैं बाजार से। तो और मैं सोच रहा था कि अपनी जो स्कर्दू की सीरीज़ है ना, स्कर्दू जो मेरे थे व्लॉग्स, तो वो तकरीबन 8 व्लॉग्स मैंने बनाए थे आज, तो मैं उससे सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना उसे एक या दो वीडियोस में उसे उन व्लॉग्स को मुकम्मल करूँ, यानी कि उन व्लॉग्स का रीमेक बनाऊँ, ताकि आप लोग जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी या बोरिंग हो गए थे वो छोड़ दी सी देखना, तो मैं सोच रहा हूँ उसका रीमेक बनाऊँ। तो उसके लिए डाटा ट्रांसफ़र करना मुझे अपने इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर पर, तो डाटा जो है सारा मेरा इस लैपटॉप पर पड़ा है, तो मैं देखूँगा अभी पक्का नहीं पता, डाटा लेके तो इस कंप्यूटर में करके फिर देखेंगे क्या बनेगा, क्या रीमेक होगा, उस हिसाब से फिर मैं वो रीमेक करूँगा, बनाऊँगा वीडियो। तो कोशिश करूँगा कि ज़रा शॉर्ट हो और आप भी उसके साथ एंजॉय कर सकें और आप दे सकें सारी सीनरीज भी और जो हमारा एक्सपीरियंस था वो भी। तो अभी मैंने बाजार से टिकट भी लानी है और एक USB मुझे चाहिए, तो USB अभी मेरे पास थी एक, तो ये थी 8 GB की, तो ये हो गई ख़राब, काफ़ी देर से ख़राब पड़ी है, तो ये तो हो गई ख़राब। अभी बाज़ार से एक USB भी लेके आनी है, तो वो भी लेके आते हैं और रोटी भी लेके आते हैं, अभी चलते हैं बाज़ार फिर। पहले मैं जाऊंगा पेट्रोल पंप से, पहले इसका जो है मैं पेट्रोल है वो डलवाऊंगा, तो इसका भी पेट्रोल कम हुआ है। तो अभी मैं हेलमेट अपना साथ लेके नहीं आया था, तो उसका मैंने कहा पता नहीं माइक ख़राब है कि नहीं, तो अभी पहले जाके इसका पेट्रोल है वो डलवाते हैं। तो यहाँ पे भी पता नहीं क्या बन रहा है, तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे। खाना वगैरह तो अभी मैंने खा लिया है, तो ये USB है जो मैं बाजार से लेके आया था, तो मैं चाह रहा था कि 64 GB मिले, तो 32 GB मिली है, क्योंकि मैंने जिस दुकान से पूछा तो मैंने फिर वहीं से ले ली, फिर मैंने ज्यादा बाजार घूमा ही नहीं, क्योंकि जिस दुकान से मैंने पूछा था तो वो ट्रस्टेड है हमारा जो है दुकान वाला, तो जो मेरे पीछे वो आपको LCD नजर आ रही है, LED जो भी है, तो स्पीकर नजर आ रहे हैं वो मैंने उसी से लिए थे, उसके मशवरे से, तो काफी ज्यादा अच्छी चीज उसने दी है, तो जिसकी वजह से मैं ये भी उसी दुकान से लेके आया हूँ। तो मैंने उसे कहा मैं जो अच्छी है वो मुझे दे दो, तो उसने ये दे दी, उसके पास 64 GB थी नहीं, तो अभी इसी करते हैं अनरैपिंग जो भी कह लें, तो कहाँ से खोलनी है तो इसे खोल के देखते हैं, तो ये मतलब खुल गई ना फिर वापस नहीं होनी, क्योंकि इसकी जो उन्होंने रैपिंग की है ना तो वो इसी तरह से की हुई है, तो अभी खोलते हैं कहीं से इसे निकालते हैं बाहर, समझ नहीं आ रही कहाँ से निकलना है इसने बाहर, तो ये खुल चुकी है अभी फुल, इस तरह की है USB। तो ये USB मैं उसे कहा तो था कि मैंने कहा स्पीड जिसकी ज़्यादा वो देना, मेरे ख्याल 3.0 या 2.0 की स्पीड होती है, तो जो इसका रैपिंग है वहाँ पे तो लिखा हुआ है 2.1 और 3.0 और पता नहीं कौन कौन सी स्पीड लिखी है, 3.1, 3.0 और 2.0, तो इसमें तो ये 3 स्पीड वाली लिखी हुई है, तो ये पता नहीं स्पीड है कि नहीं, अभी इसमें डाटा ट्रांसफ़र करके देखते हैं, तो अगर स्पीड आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर भी मेरी है, लेकिन ये है किंगस्टन की कंपनी मशहूर कंपनी है, तो इसकी होती तो अच्छी है। तो अभी मैंने लैपटॉप अपना ऑन कर लिया, तो इसमें लगा के तो इसकी जो स्पीड है वो चेक करते हैं, इसमें जो है वो 3.0 की पोर्ट है, तो ये थोड़ा सा टूटा हुआ है यहाँ से, इसे इग्नोर कर दें, तो ये पोर्ट है, तो अभी इसे लगा के देखते हैं इसी पोर्ट में तो स्पीड कैसी आती है।
इस वक्त जो अभी स्पीड जो शो कर रहा है 5 MB और 7 MB के दरमियान में स्पीड है वो शो कर रहा है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है। एस्टिमेटेड टाइम तो बता रहा है ये 1 घंटा लेगा, तो देखते हैं कि काम होता है कि बढ़ता है, तो अभी से लगा के रख देते हैं। और जो अभी मैं ब्लॉग एडिट करने लगा हूँ, अभी ब्लॉग एडिट करके तो फिर इंशाल्लाह शाम के बाद कहीं जाते हैं, देखते हैं कोई जगह एक्सप्लोर करते हैं, अगर मिल गई कोई अच्छी सी जगह तो आपको भी दिखा देंगे, नहीं तो ये गर्मी ब्लॉग मुकम्मल हो जाएगा। मैं ब्लॉग एडिट करके हटाई हूँ, तो तकरीबन मैंने 3:30 बजे ब्लॉग एडिटिंग करना शुरू की थी, तो ये ट्रांसफर पे भी लगाया था, तो ये हो भी गया मुकम्मल, तो स्पीड इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। ये भैया जो भी हो गया, मैंने लैपटॉप पे लगाया था तो वहां पे आ रही थी 7 MB 5 MB, अभी मैंने PC पे लगाई USB और स्पीड आ रही है 17 MB 18 MB 17 MB, तो काफी ज्यादा स्पीड आ रही है। तो अभी ये डाटा ये ट्रांसफर हो रहा है मेरे कंप्यूटर पे, तो फिर मैं देखूंगा कि इसमें से रीमेक बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अभी जरा बाहर चलते हैं सैर वगैरह करके आते हैं। मैं छत पे आ गया, तो बाहर मैंने जाने का सोचा था, तो बाहर अभी हमारे पास इर्द गिर्द जो है कोई पार्क वगैरह है नहीं ऐसा जहाँ पे मैं जा सकूं, और वैसे भी जिस उम्र में मैं पार्क वगैरह में जाया करता था तो वो उम्र तो गुजर गई है, अब पार्क वगैरह में बहुत ज्यादा देर हो गई है, तो कहीं नहीं यहाँ पीछे हमारे एक पार्क है लेकिन वो बंद है, पता नहीं किस वजह से काफी देर हो गई, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो वो पार्क जो है वो बंद हो गया, ताले लगे उसमें कोई बच्चा नहीं नजर आता, तो वहाँ पे हम काफी जाया करते थे तो खेला करते थे, तो अभी वो बंद है। तो फिर मैं बाहर निकला हूँ, मैंने देखा आसपास तो वो गाड़ियों वगैरह का शोर ही बहुत ज्यादा था, मैंने कहा क्या व्लॉगिंग करनी है इसमें, तो अभी मैं छत पे आ गया हूँ, तो ठंड जो है सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और पीछे आपको वो पता नहीं मंजर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बड़ा खूबसूरत मंजर है। अभी जो है ठंड वह काफी ज्यादा हो गई है, तो अभी नीचे ही चलते हैं, तो हवा भी चल रही है, तो नीचे चल के चाय बन रही है तो चाय पीते हैं जाके। तो आज मेरा वैसे मूड था बाहर जाने का, लेकिन बाहर जो जो सूरत हाल है वो ऐसी है नहीं है बाहर जा सके, तो वैसे अभी मैं जो कैमरा है वो सेल्फी स्टिक के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एंगल, जो वाइड एंगल आ रहा ना, तो ये वैसे मैं हर वक्त इस्तेमाल कर नहीं सकता, कर भी सकता हूँ लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है ये एंगल, मुझे ज्यादा जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चीज अच्छी है, तो इसे इस्तेमाल क्या करेंगे आप आइंदा से, काफी ज्यादा ये फायदेमंद चीज साबित हुई है। तो अभी नीचे चलते हैं तो चाय पीते हैं, नीचे तो मैं पहुंच गया हूँ वैसे, तो देखते हैं चाय पक गई है कि नहीं पक गई, चाय तो अभी पकी नहीं है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अली की दुकान पे, तो वहाँ पे चलते हैं तो इसका टेस्ट करके आते हैं, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाइट एंगल, तो अच्छा सीन आ रहा है यहाँ से, अली ने देख रहे हैं सुना है कि ये पागल था क्या, ये क्या कर रहा है, तो कोई नहीं कह रहा है। चाय पक गई है मेरी, तो बाहर सर्दी बड़ी ज्यादा है, चाय पीते हैं गर्म गर्म, तो अभी मैं पीने लगा हूँ चाय। तो आज का व्लॉग जो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो उम्मीद है कि आपको आज वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।